बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आई हूँ एक नई रेसिपी के साथ, जो कि है बहुत मनपसंद बच्चों की, कॉटन कैंडी। तो इस रेसिपी को एंड तक देखिएगा, कोई पार्ट मिस ना कीजिएगा, वरना फिर आप कहेंगे बताया नहीं। तो ये देखें, इस तरह की ये बनेगी, इस तरह का इसका कलर आएगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ कप जो है पाउडर शुगर लिया है, और ये देखिए इस तरह पाउडर फॉर्म में आपने लेना है, और हाफ कप ही मैंने यहाँ पे चीनी ऐड की है। तो इसको इसके अंदर मैं फूड कलर ऐड कर दूँगी। तो पाउडर शुगर आपने कैसे बनानी है, ब्लेंडर ग्राइंडर लेना है, उसके अंदर आपने चीनी ऐड करनी है, उसको ग्राइंड कर लेना है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो कलर है वो एग्जैक्टली सेट हो जाए। आपने ड्राई जो है ब्लेंडर लेना है, बिल्कुल ड्राई, और उसके अंदर कोई स्मेल ना हो। तो उसके अंदर हम इस तरह जो हमने चीनी बनाई थी उसको ऐड कर देंगे, उसको ब्लेंड करना स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए ब्लेंड होना शुरू हो गई है। तो जो सारे पॉइंट्स हैं उसको मिस ना कीजिएगा। ये देखिए इस तरह ब्लेंड करते रहेंगे, तो ये साइड से आपने इसको रिमूव करना है ताकि ये सही से ब्लेंड हो जाए। तो इसको फिर से ब्लेंड करते हैं। तो ये इजी है बनाना, और आपने कोई पार्ट मिस नहीं करना। बहुत मज़े की रेसिपी है और बहुत ही आसान है। तो ये देखें इस तरह की इसकी लुक आने लग जाएगी, और जैसे जैसे स्नो फॉल हो रही है बिल्कुल वैसे ही इसका बनना शुरू हो जाएगा। इस तरह आपने इसको साइड से साफ़ करना है अच्छे से, ताकि कोई भी हमारी चीज़ ज़ाया ना हो यहाँ पे, और इसको हमने अच्छे से रिमूव कर लें। ये देखिए इस तरह पाउडर फॉर्म में आ जाएगी। तो आपने इसको रिमूव करके दोबारा से सारा बॉटम में लेके जाना है। तो चलें जी, आप दोबारा से ब्लेंड करते हैं इसको। देखिए जी, हमारी कॉटन कैंडी तैयार हो चुकी है, और ये देखिए बिल्कुल सेट हो चुकी है। तो सब ये ड्रामा है, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ लोग व्यूज़ लेने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। तो देखिए मेरी इतनी सारी चीज़ें ज़ाया करवा दी है, और कॉटन कैंडी कहाँ से आई है, ये देखिए ऐसे कॉटन कैंडी आई है। और बैक स्टोरी ये, तो बहुत सारे मिलियंस में लोग व्यूज़ ले लेते हैं और झूठ बोल कर। तो बिल्कुल भी ना इसको ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आपका ब्लेंडर जो है बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, क्योंकि बहुत हीट अप हो जाता है बनाते वक्त। तो बिल्कुल भी ट्राई ना कीजिएगा। तो अब आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।